दीवाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा दीवाना है जो लोगों को बिना हेलमेट सड़क पर वाहन चलाने वालों को यातायात के नियमों का पालन कर हेलमेट व सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाने की सलाह देने का काम साइकिल पर पोस्टर लगाकर लोगों से कर रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद जाहिद उर्फ हीरो, जब किसी महापुरुष की जयंती व पुण्यतिथि हो, ये अपनी साइकिल पर पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाकर चौराहे चौराहे पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ दो पहिया वालों को, चार पहिया वालों को, कि मैं जनता को इसलिए जागरूकता कर रहा हूँ कि आज आने वाली पीढ़ी जनता के लिए एक बहुत उपकार काम है जो अपनी सुरक्षा रखे। इसलिए कि जनता जब दुर्घटना होती है, घर वाले परेशान होते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, सड़क पर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर मोबाइल चलाते समय बात करते हैं, इसलिए हम जागरूकता कर रहा हूँ। जब भी चार पहिया वालों को, दो पहिया वालों को आह्वान करता हूँ मैं प्रयागराज से, मैं कहना चाहता हूँ जान है तो जहान है, जान नहीं जहान नहीं है। उस तरीके से आज हम जागरूकता हर पुलिस वालों से कर रहा हूँ, जो फुटपाथ पर चलने वाले उनसे कर रहा हूँ, जो दो पहिया गाड़ी चलाने वाले उनको कर रहा हूँ, चार पहिया वालों को कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि जान, जिंदगी एक अमोल चीज़ है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगा कर इंसान को चलना चाहिए, पहिया वालों को सीट बेल्ट बैठ के लगाना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए, और दो वाहन वालों को हमेशा जो गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट लगा के चलना चाहिए, जिससे दुर्घटना हो उससे सुरक्षित रहे, आवागमन में परेशानी ना हो। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद जाहिद, प्रयागराज, इलाहाबाद। नवंबर में पुलिस प्रशासन की तरफ से यातायात माह दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में समाज सेवी मोहम्मद जाहिद और हीरो लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की गुजारिश, लोगों को सड़क के चौराहे पर रोककर हाथ जोड़कर बिना हेलमेट वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने को कहते हैं।